हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th मैथ इंग्लिश मीडियम। अपनी एक्सरसाइज चल रही है 7 डिफरेंशिएशन। 7.1 के हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व कर लिए थे। आज हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11। लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। तो वही लॉग एम प्लस एन, वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे इसमें ना। तो क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन क्या होता है, लॉग एम माइनस लॉग एन। तो ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स दोनों में अलग अलग लगेगा क्योंकि माइनस में, तो इसमें भी होगा और इसका भी डिफरेंशिएशन होगा। दोनों का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो देखो डी वाई अपॉन डी एक्स लॉग एक्स, लॉग एक्स होता है वन अपॉन एक्स। तो वन अपॉन एक्स, एक्स क्या है अपने पास, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब ये भी एक फंक्शन है, इसका हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स। ये फंक्शन है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस, सेम यहाँ लॉग एक्स, ये होगा वन अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। और डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स प्लस वन का, ठीक है। तो ये तो सेम है, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इसका करेंगे सारे पॉजिटिव में, तो सब में देखो एक्स स्क्वायर का क्या होगा, टू एक्स, एक्स का क्या होगा वन, और वन का क्या होगा जीरो। तो जीरो को लिखने की जरूरत है ही नहीं। माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, सेम एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, एक्स का क्या होगा वन, और वन का होगा जीरो। तो देखो ये मल्टीप्लाई में, तो ये दोनों कहाँ देंगे, ऊपर आ जाएंगे, कहाँ देंगे ऊपर। डी वाई अपॉन डी एक्स टू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन माइनस टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ये हो गया अपने पास सॉल्यूशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11th का डिफरेंशिएशन हमने कर दिया, तो अपने पास क्या आया है, 2 प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, टू एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस में वन। क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है 10 लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक। सब वही है जैसा होता रहा है, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। वाई इक्वस टू टेन लॉग ई वेस वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स डिफरेंशिएशन कर देता हूँ मैं सीधा। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो ये है टेन एक्स, टेन एक्स क्या होता है सेक एक्स स्क्वायर एक्स, तो ये है एक्स की वैल्यू। तो इसका मैं सीधा ही डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, कितना आएगा सेक स्क्वायर लॉग ई बेस वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। अब हम करते हैं डी अपॉन डी एक्स, किसका लॉग लॉग ई बेस वन प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये है लॉग एक्स,
log x क्या होता है, 1 अपॉन x, ठीक है। तो ये हो गया sec स्क्वायर log e base 1 प्लस x स्क्वायर, log x होता है 1 अपॉन x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस में x स्क्वायर। अब d अपॉन dx करते हैं किसका, रूट का 1 प्लस x स्क्वायर, तो ये है रूट x। रूट x को मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट x। sec स्क्वायर log e बेस, क्रम से चलना है ना, सबसे पहले किसका किया, tan का किया, फिर किया log का, अब करेंगे अंडर रूट का, और फिर करेंगे x स्क्वायर का, ठीक है। तो इस जो है ये तो अपन ऐसे ही ऐसे लिखते चलेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, रूट का करेंगे तो रूट का क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट एक्स, रूट एक्स है अपने पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब हम करेंगे d अपॉन डी एक्स किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो 1 का तो हो जाएगा 0। देखो ये क्या होगा, sec स्क्वायर log e बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी अपने पास है डॉट 1 अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का तो क्या हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का क्या होगा इनटू में 2x, ये सब इनटू में ही है। तो देखो ये 2 से ये 2 कैंसिल, इस x को हम आगे लिख लेते हैं। देखो x sec स्क्वायर log e बेस 1 प्लस में x स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों नंबर कहाँ हैं, अपॉन में, ठीक है। तो इनको क्या कर लेते हैं अपन, अपॉन में ही लिख लेते हैं, कहाँ लिख लेते हैं, अपॉन में, ठीक है। तो देखो दोनों सेम है, a प्लस बी और a प्लस बी, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये अपने पास होंगे क्या, 1 प्लस एक्स स्क्वायर के अंडर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने पास बचेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वस टू एक्स सेक स्क्वायर लॉग e बेस 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या आ गया अपना आंसर आ गया, क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, सारे डिफरेंशिएशन याद कर लेने आपको कि किसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, सारे मैं लिखा चुका हूं, ठीक है ना। और इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, सब नंबर बाई नंबर। देखो सबसे पहले है tan x, तो tan का करिया क्या sec स्क्वायर x की जगह x। अब हम करेंगे किसका log x, ठीक है। तो ये तो log, ये है x, तो log का होता है 1 अपॉन x, 1 अपॉन x। अब करेंगे हम 1 अपॉन x स्क्वायर का अंडर रूट, तो अंडर रूट ये है अंडर रूट x, अंडर रूट x क्या होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट x। अब अंडर रूट का होने के बाद अपने पास क्या बचता है, 1 प्लस x स्क्वायर, तो 1 का तो 0, x स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा और सब कुछ सेम टू सेम है। ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13, a tan 3x, a की पावर tan 3x, ठीक है। तो इसको मैं वहीं y इक्वल टू लिख देता हूं। देखो ये है a की पावर x, a की पावर x क्या होता है, a की पावर x log e बेस a, ठीक है। x की जगह क्या है tan 3x है केवल, है ना। तो कर देते हैं डिफरेंशिएशन, dy अपॉन dx इक्वस टू ये हो जाएगा
ए की पावर टेन थ्री एक्स लॉग ए बेस ए, ए की जगह पर ए ही है। अब हम डी अपॉन डी एक्स करेंगे किसका, टेन थ्री एक्स का, किसका करेंगे टेन थ्री एक्स का। तो ये तो सेम ऐसे ही चलता रहेगा, ए की पावर टेन थ्री एक्स लॉग ई बेस ए टेन थ्री एक्स। टेन क्या होता है, टेन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा अपने पास डॉट सेक स्क्वायर एक्स है अपने पास थ्री एक्स। ठीक है, अब हम करेंगे थ्री एक्स का, थ्री एक्स भी तो एक फंक्शन है, डी अपॉन डी एक्स होगा किसका, थ्री एक्स का। ठीक है, तो ए की पावर टेन थ्री एक्स लॉग ई बेस ए डॉट सेक स्क्वायर थ्री एक्स डॉट थ्री। अब इसको हम क्रम से लगा लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स सबसे आगे लिख लेते हैं थ्री, फिर उसके बाद लिख लेते हैं सेक स्क्वायर थ्री एक्स, उसके बाद लिख लेते हैं ए की पावर टेन थ्री एक्स लॉग ई बेस ए। ये हो गया अपना कंप्लीट, कौन सा थर्टीन, कौन सा हो गया थर्टीन। तो इसे कैसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, ए की पावर थ्री एक्स डॉट लॉग ए, ए की पावर टेन थ्री एक्स लॉग एक्स, इसको चाह इसको पहले लिख लो इसको पीछे लिख लो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थर्टीन हो गया, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ए की पावर एक्स का किया, उसके बाद फिर हमने टेन थ्री एक्स का किया, उसके बाद हमने थ्री एक्स का किया, तो वही चैन रूल से सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब अपने पास है क्वेश्चन नंबर 40, कौन सा है 40। फोर्टीन है अपने पास लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, तो वही वाई इक्वल्स टू ये हो जाएगा कितना डी वाई अपॉन डी एक्स। सबसे पहले होगा लॉग है, तो सबसे पहले लॉग का होगा, लॉग एक्स क्या होता है वन अपॉन एक्स, तो वन अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्या है लॉग एक्स की वैल्यू, लॉग एक्स की वैल्यू है सेक एक्स प्लस में टेन एक्स। अब करते हैं हम सेक एक्स प्लस टेन एक्स का, डी वाई डी अपॉन डी एक्स sec x प्लस टेन एक्स। तो ये दोनों प्लस में है ना, मल्टीप्लाई में थोड़ी है, प्लस में ही तो हैं, हाँ प्लस में ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, sec x का हो जाएगा और टेन एक्स का हो जाएगा, वन अपॉन sec x प्लस टेन एक्स। sec x का क्या होता है, sec x का होता है sec x टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का होता है sec स्क्वायर एक्स। sec कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, वहां sec एक्स प्लस टेन एक्स, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा sec एक्स कॉमन आ गया, यहां से तो बच गया टेन एक्स प्लस यहां से बच गया sec एक्स, sec एक्स टेन एक्स, टेन एक्स sec एक्स, दोनों प्लस हैं कोई दिक्कत नहीं है, कैंसिल। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्व टू कितना आ गया sec x, क्या गया sec x। तो log sec x tan x का डिफ्रेंशिएशन हमने कर लिया, और हमारे पास करने पर वह क्या आ गया sec x आ गया।
बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्या है क्वेश्चन है जो हम इजीली फटाफट कर लेते हैं। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है 15। साइन 3 साइन की पावर 3x और साइन 3x डॉट, ठीक है। ये तो है साइन क्यूब एक्स एंड साइन 3x, ठीक है। ये क्यूब पावर में और ये x के साथ है, ठीक है। दोनों किस में है, मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई वाला क्या लगाएंगे हम इसमें, फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई का फॉर्मूला आप सबको पता ही है, किसी भी सबसे पहले इस किसी को इसको छोड़ दो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो, या इसको छोड़ दो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, किसी को छोड़ दो, ठीक है। तो देखो ये तो हो गया dy/dx = हम साइन 3x को छोड़ देते हैं, d/dx कर देते हैं, किसका, साइन की पावर 3x का, ठीक है। प्लस साइन 3x को छोड़ के d/dx कर देते हैं साइन 3x का, ठीक है। तो देखो इसमें भी चैन रूल लगेगा ना, ये तो 3x तो 3x होगा। सबसे पहले हम पावर का करेंगे, किसका करेंगे, पावर का। ये क्या है, 3 है, तो 3 कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3sin²x। अब d/dx किसका करेंगे हम, साइन x का, किसका करेंगे, साइन x का, ठीक है ना। जैसे हमने पहले भी कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चाहो तो पहले साइन का कर लेना, किसी का कर लेना जैसे चाहो वहां पर ना। तो हमने सबसे पहले किसका किया है, अब हमने कर लिया पावर का, किसका कर लिया, पावर का कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, इधर वाले पे आ जाते हैं, प्लस ये तो ऐसे कैसे ही रहेगा, साइन 3x। देखो यहां सबसे पहले हम साइन है, साइन x, साइन x क्या होता है, कॉस x, क्या होता है, कॉस x। अब हम d/dx करेंगे किसका, 3x का। यहां तो पावर थी, यहां 3x है, तो साइन का कर लिया कॉस, और अब क्या बच गया अपने पास, 3x। तो देखो ये क्या हो गया, साइन 3x, 3sin²x, साइन x का क्या हो जाएगा, कॉस x प्लस साइन 3x, ये हो जाएगा कॉस x और x, थ्री क्या बचेगा, थ्री क्या बच गया लास्ट में अपने पास, बच गया थ्री। 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, थ्री होता है, क्या होता है, थ्री। तो देखो यहां भी 3sin क्या है, ये है अपने पास साइन स्क्वायर एक्स, और ये है अपने पास साइन 3sin की पावर 3x, ठीक है, और यहां है अपने पास साइन 3x। तो वैसे तो ये हो गया है ना, पर चाहे तो इसको हम और थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। देखो यहां है अपने पास 3sin²x, ये है 3sin³x, चाहे तो हम क्या ले सकते हैं, 3sin²x कॉमन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, sin²x। तो देखो यहां से तो बच जाएगा साइन 3x, यहां बच गया कॉस एक्स, ठीक है, प्लस यहां से क्या बच जाएगा, थ्री तो सॉरी क्या क्या आ गया, यहां साइन 3x कॉस एक्स, यहां से तो अपने पास बच जाएगा साइन स्क्वायर, तो कॉमन आ गया थ्री के साथ, तो यहां क्या बल क्या बचेगा, साइन एक्स और कॉस एक्स, ठीक है।
तो ये मिलके कितना हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन 4x और कॉस x, कॉस x क्या हो जाएगा कॉस 2x, और चाहो तो इसको इतना भी छोड़ सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर x एंड देखो ये कितना है अपने पास, 3 साइन स्क्वायर x साइन 3x कॉस x प्लस साइन x कॉस x। ठीक है, तो देखो अगर हम इनको ऐड भी कर देते हैं दोनों को, इसको और इसको, तो साइन 3x प्लस ये कितना हो जाएगा साइन 4x एंड कॉस x, और कॉस x कितना हो जाएगा साइन 2 मतलब कॉस 2x। ठीक है, तो ऐसे कर लो, चाहो तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चाहो तो देखो इसको और ऐसे करना चाहो तो देखो, जैसे यहाँ कितना है क्यू एक्स कॉमन ले लेते हैं हम, कितना लेते हैं 3 साइन क्यू एक्स, तो इसमें इसके नीचे क्या जाता, एक साइन का डिवाइड चल जाता तो इसके कंप्लीट के नीचे, तो ये क्या हो जाता कॉस अपॉन साइन, उसको हम कॉट लिख लेते, क्या लिख लेते कॉट लिख लेते। कैसे ही कर लेना जैसे आप लोगों को अच्छा लगे, चाहो तो इसको इतना छोड़ देना, चाहो तो इनको ऐड कर देना। इनको ऐड करने पर देखो कितना आएगा, 3 साइन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा साइन 4x कॉस 2x। ठीक है, ये हो गया अपना कौन सा क्वेश्चन नंबर 15, और अपने पास इस एक्सरसाइज में टोटल कितने क्वेश्चन हैं, 15 ही क्वेश्चन है, कितने हैं 15 ही हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अपना क्या हो गई, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ठीक है, 5.1 कैसी हो गई अपनी कंप्लीट, तो अब हम 5.2 नेक्स्ट वीडियो से ही स्टार्ट करेंगे। तो जितनी भी ये क्वेश्चन है इनको दोबारा से प्रैक्टिस करना, और कुछ भी अगर ऐसा है जिसमें भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बताया करो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा कुछ तो कमेंट किया करो, कौन कौन पढ़ रहा है कौन कौन नहीं पढ़ रहा पता तो चले, जो लोग पढ़ रहे हैं कम से कम वीडियो के नीचे अपना कमेंट लिख दें तो पता तो चल जाएगा ना कौन कौन पढ़ रहा है। तो आज के लिए केवल इतना ही है ना, नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे वाले एक्सरसाइज अपनी 7.2 स्टार्ट कर देंगे।